ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन हो गया K2Cr2O7 का, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके हो गया, अब हमको क्या करना है, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। अब केमिकल प्रॉपर्टीज करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 कैसे बिहेव करता है, ठीक है, और K2Cr2O7 में एसिडिक मीडियम में उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो एक तो हम लोग एसिडिक मीडियम के रिएक्शन देखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन देखेंगे। अब ये रिएक्शंस को याद रखना भी बहुत आसान है, आपको एकदम आसानी से ये रिएक्शंस याद रह जाएंगे, ठीक है, अब सिर्फ यहां पे फोकस करना और एक बार प्रैक्टिस करना, आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे, परमानेंटली याद हो जाएंगे, ठीक है। K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो कितने H2SO4 लूंगा मैं, 4 H2SO4 लेने हैं यहाँ पे, ठीक है, लगने ही वाला है हमको 4 H2SO4। ये स्प्लिट करके दिखाने के एग्जाम में जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए ये स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो K2 की शादी कर दो SO4 के साथ में, तो क्या मिलेगा हमको, K2SO4 प्लस Cr2 की शादी हो जाएगी 3 SO4 के साथ में, क्योंकि Cr की वैलेंसी प्लस 6 है, तो इट विल बिकम Cr2SO4 थ्राइस, ओके, Cr2SO4 थ्राइस प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन कंबाइन कर दो, 4H2O। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन थे हमारे पास 7, तो 7 में से हम लोगों ने कितने ऑक्सीजन कंज्यूम किया हाइड्रोजन के साथ, 1, 2, 3, 4, तो कितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे, तो राइट ओवर हियर 3 नेसेंट ऑक्सीजन, क्या मिलेगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। चेक करो K2Cr2O7 विद 4 टाइम्स H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 क्या मिल रहा है, K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन एन के इन प्रकारेण याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, देखो क्या कंबाइन हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, K2 कंबाइनिंग विद SO4, Cr2 कंबाइनिंग विद 3SO4, 4 H2 और 4 ऑक्सीजन, बचे कितने, 3 ऑक्सीजन, लिख दो। इतना रिएक्शन आपको पिट पैट होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन अगर याद रहेगा तो आगे के रिएक्शन याद रहेंगे, ठीक है। मतलब अब ये रिएक्शन को मैं दोबारा एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूं स्प्लिट किए बिना, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 गिव अस K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ओके, ये एक लाइन में मैंने रिएक्शन लिख दिया। अब ये रिएक्शन कॉमन रहेगा सारे रिएक्शंस के लिए, मतलब हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो सब के लिए ये रिएक्शन कॉमन रहेगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ना डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन दिया है, उसको याद करने के लिए बहुत लोड आता है, बहुत स्ट्रेस आता है आपके मेमोरी पे, तो उससे अच्छा आप ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया। बस अभी आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमको KI का ऑक्सीडेशन पूछा एग्जाम में, ऑक्सीडाइज KI विद K2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो यू हैव टेकन KI, ऊपर से क्या मिल रहा है हमको, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, वो 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर ले लो, ठीक है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में 3H2SO4 ले लो, ओके, तो अब क्या होगा, 3H2 और 3O ये कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म 3H2O, मैंने ये 3H2SO4 लिया ही ये 3 ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए, तो क्या मिल गया, 3H2O। फिर अभी K विल कंबाइन विद SO4, तो क्या मिलेगा, K2SO4, सही है, K2SO4। अब कितने SO4 है यहाँ पे, 3 SO4 है, तो 3 SO4 है तो यहाँ पे मेरे को 3 लिखना पड़ेगा SO4 को बैलेंस करने के लिए, तो 3 लिख देता हूँ, तो पोटेशियम 3-2 SO4 तो बैलेंस हो गया, लेकिन SO4 को बैलेंस करने के चक्कर में देखो पोटेशियम कितने हो गए, 6, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। अब सब बैलेंस हो गया, सिर्फ आयोडीन बचा, 6I है, तो 6I को मैं यहाँ पे लिखूंगा 3I2, वायलेट कलर का पाउडर मिलेगा यहाँ पे, ओके, वायलेट अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो ये 3I2 हमको मिल गया। अब ऊपर की रिएक्शन की मदद से नीचे वाला रिएक्शन हुआ है, ध्यान देना, ऊपर का रिएक्शन अगर नहीं होता तो नीचे का रिएक्शन होता ही नहीं, क्योंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलते ही नहीं, तो ऊपर के रिएक्शन में से 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिले हैं, वो हम लोग ने यहाँ पर यूटिलाइज किया है, तब जाके हमको प्रोडक्ट्स मिले। तो अब क्या करो, अब डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन हम लोग करेंगे, मतलब ये दो इक्वेशन को कंबाइन करो, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन नीचे वाला इक्वेशन दिया और आपको लर्न करने के लिए दिया, तो वो फाइनल इक्वेशन लर्न करने के लिए आपका दिमाग मतलब हैंग हो जाता है, ठीक है, देखो कितना बड़ा इक्वेशन बनता है। और अभी हम लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है, अभी तो मेरा काम हो ही गया, अभी तो मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है। ये फाइनल जो बड़ा इक्वेशन है, बड़ा इक्वेशन का टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि बस आपको वॉट एवर सेम LHS एंड RHS दैट यू नीड टू कैंसिल, और बाकी जो लिखा है LHS पे, जो लिखा है वो LHS पे कॉपी पेस्ट कर दो, RHS पे जो लिखा है वो RHS पे कॉपी पेस्ट कर देना, 4+3 7H2SO4 प्लस 6KI वो इधर लिख दो, 3 नेसेंट ऑक्सीजन तो कैंसिल हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, K2SO4 कितने K2SO4 है, एक K2SO4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 हो गए, 4K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस, फिर 4+3 7H2O और 3I2, बस हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो ये अभी देखो फाइनल रिएक्शन, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये याद रखने के लिए बोलूं बाल नोच लोगे तुम, ठीक है, फिर भी याद नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है, लोड आ जाता है इतना, फिर बैलेंसिंग भी याद रखो वो सब, इतना टेंशन आ जाता है, उससे अच्छा स्प्लिट करके करो ना, क्या बिगड़ता है, स्प्लिट करके करो, आराम से याद रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर का रिएक्शन मैंने क्या बोला, कॉमन है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप ये रिएक्शन लिख लेना, ओके, एंड मैं तब तक क्या करता हूं, अभी नेक्स्ट क्या करूंगा कि ये रिएक्शन ये इरेज कर देता हूं, नीचे वाला पार्ट, ऊपर का रिएक्शन में क्या रखूंगा, कॉमन रखूंगा, ठीक है, ये इरेज कर दिया,
एंड नाउ वी विल कीप दिस रिएक्शन कॉमन. ये तो आपको अभी आना ही चाहिए, K2Cr2O7 H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 4H2O नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, अब FeSO4 को ऑक्सीडाइज करना है सेम तरीके से. FeSO4 है, ऊपर से क्या मिल रहा है, 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, और 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 3H2SO4 यूज करेंगे, ताकि 3H2O और O कंबाइन हो जाए टू फॉर्म 3H2O एज यूजुअल. ठीक है, ये हो गया 3H2O. फिर क्या करो कि Fe, अब Fe इधर प्लस 2 है, इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए लेकर आया हो ना इधर, तो ऑक्सीडेशन करो. ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, Fe2SO4 थ्राइस. क्या करना है, Fe2SO4 थ्राइस, मतलब यहाँ पे आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके देखोगे तो ये प्लस 3 हो रहा है, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है प्लस 2 टू प्लस 3 होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन. तो राइट हैंड साइड पे Fe2SO4 थ्राइस. अच्छा, अब Fe2SO4 थ्राइस को हमको बैलेंस करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितने SO4 है, 3 SO4 है, और यहाँ पे SO4 इधर 3 + 1 4 SO4 बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि यहाँ पे 6 FeSO4 लेना है. ठीक है, तो जब 6 FeSO4 लेना है तो इधर 3 हो जाएगा. अब यहाँ पे 6 SO4, 6 और 3 9 SO4 है, और यहाँ पे 3 3 9 SO4 है, बैलेंस्ड, खत्म. ठीक है, देन क्या करना है हमको, दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, कंबाइन करोगे. कंबाइन करते वक्त ये 3 ऑक्सीजन कैंसिल, व्हाटएवर सेम ऑन LHS RHS दैट वी कैंसिल, और जो सेम साइड पे है उसको तो ऐड करते जाओ, K2Cr2O7 + 4 + 3 7H2SO4 + 6 FeSO4 गिव्स. अब देखो फाइनल इक्वेशन बड़ा बनता है, बट उसका टेंशन नहीं लेना है, ऊपर की दो इक्वेशन से नीचे वाला बन जाएगा. ठीक है, K2SO4 + Cr2SO4 थ्राइस + 4 + 3 7H2O और 3 FeSO4 थ्राइस. इस तरीके से आपका ये इक्वेशन भी हो गया. ठीक है, बड़ा है लेकिन बड़ा है तो बेहतर है. ठीक है, क्यों, क्योंकि स्प्लिट करके उसको बड़ा बनाना आसान है, रादर देन ये याद रखना. ओके, तो अब इसको भी पॉज करके लिख लो, और अब ये इरेज करूंगा मैं, इरेज करके वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन. ऊपर का इक्वेशन भाई सेम रखेंगे, ये अपने को एडवांटेज है. ठीक है, क्या एडवांटेज है कि ये इक्वेशन क्या है, सेम, तो ये एडवांटेज है हमारे पास. सो ये इक्वेशन वैसे के वैसा रखो. अब H2S ले लो, अब H2S में ऊपर से 3 नेशन ऑक्सीजन आ रहे हैं, वो 3 नेशन ऑक्सीजन ले लो. अब 3H2SO4 ऐड करोगे क्या, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 3H2S इधर है, तो 3H2 और 3O आराम से कंबाइन कर दो, क्या मिल जाएगा, 3H2O. अच्छा, 3H2O मिल गया, फिर बचा क्या, 3S, येलो कलर पाउडर 3S, खत्म. ठीक है, अब कैंसिल 3 नेशन ऑक्सीजन और कंबाइन कर दो, कितना आसान है, K2Cr2O7 + 4H2SO4. अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो ना, तो इधर की इधर आपको याद हो जाएगा. ठीक है, 3H2S राइट हैंड साइड पे, K2SO4 + Cr2SO4 थ्राइस + 4 + 3 7H2O + 3 सल्फर, हो गया. राइट, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन. अब एक अलग रिएक्शन है, इस अलग रिएक्शन में हमको क्रोमाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है. हाँ, वही क्रोमाइल क्लोराइड जो हम लोग ने कहाँ पे यूज किया था, ईटार्ड रिएक्शन, ऑर्गेनिक में ईटार्ड रिएक्शन में यूज किया था. क्रोमाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है, क्रोमाइल क्लोराइड क्या है, Cr2Cl2. तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको K2Cr2O7 से प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली K2Cr2O7 लेंगे, एसिडिफाइड करना है तो H2SO4 भी लेंगे, प्लस अब Cl कहाँ से आएगा, तो NaCl से आएगा. ओके, तो Cr2Cl2 ये हमारा क्रोमाइल क्लोराइड बन जाएगा. यहाँ पे ब्लाइंडली लिख दो Cr2Cl2, उसका फॉर्मूला है, बाकी बैलेंसिंग हम लोग देख लेते हैं, आसान है. देन Cr2Cl2 और ये K, अब H2SO4 यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से स्प्लिट होने वाला है. हमेशा याद रखना, हमेशा K2SO4 बन रहा था, बट अब K2SO4 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, KHSO4 बनेगा. क्या बनेगा, KHSO4 बनेगा, और Na2SO4 भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा, NaHSO4. ठीक है, तो K2SO4 तो ये 2KHSO4 मिल जाएगा, और Na है तो यहाँ पे अब देखेंगे कि बैलेंस कितना करना है. ये Cr2 है तो इधर 2 लिख देता हूँ, 2Cr2Cr बैलेंस, 2 2 4 Cl हो गए, Cl का सोर्स क्या है ये, तो इधर 4 लिख दो, फिर इधर भी 4 लिखना पड़ेगा. तो HSO4 कितने ले लिए मैंने, 2HSO4 यहाँ पे, 4HSO4 यहाँ पे, टोटल 6HSO4. तो 6H2SO4 ऑप्टेन करने के लिए 6H2SO4 लेंगे, तब जाके ये 6H+ और 6HSO4- में स्प्लिट होगा, तो हमको मिलेगा 2KHSO4 + 4NHSO4. ठीक है, 4NaCl, NaCl, Cl बैलेंस, CrCr बैलेंस. अब क्या बाकी रह गया, ऑक्सीजन एक बाकी रह गया बैलेंस करना, तो 6H+ और ऑक्सीजन को कंबाइन करो, तो क्या मिलेगा, 3H2O. राइट, 6H, 3 2 6 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 + 3 7 ऑक्सीजन हो गए, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया. ठीक है, दिस इज वॉट क्रोमाइल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड. ठीक है, अब और कौन से रिएक्शन है अपार्ट फ्रॉम क्रोमाइल क्लोराइड, बताओ. हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं अबाउट
अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 के पहले एक्शन ऑफ हीट देख लेते हैं, किसके साथ में K2Cr2O7 है, इसके साथ में एक्शन ऑफ हीट देख लेते हैं, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट। तो हीट करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, 4K2Cr2O7 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4K2CrO4 मिलेगा, पोटेशियम क्रोमेट, थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया था, 4K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, राइट। तो आप बैलेंस करो, सिर्फ कितने ऑक्सीजन जाए, 4 7 जा 28, यहाँ पे कितने हो गए, 4 4 जा 16 प्लस 3, ठीक है, एक सेकंड, क्रोमियम बैलेंस है क्या, देखो यहाँ पे कितने, 4 2 जा 8 क्रोमियम है, इधर 4 क्रोमियम है, तो इधर 2 लेना पड़ेगा, तो 2 क्रोमियम हो जाएंगे, 2 और 2 2 और 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 8, इधर 4 2 जा 8 क्रोमियम बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन देख लो, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे कितने हो गए थे, 4 7 जा 28, अब 28 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22, तो और कितने लेने पड़ेंगे, 3 O2, यानी कि और 6 ऐड कर दूंगा तो 28 बन जाएंगे, तो इधर 3 2 जा ले लिया और 6 ऐड कर दिया, टोटल 28 बन गए, राइट, वी हैव गॉट टोटल 28 बैलेंस ऑन बोथ साइड, पोटेशियम बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, रिएक्शन इज परफेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नहीं, K2Cr2O7 का, अब जैसे हम लोग ने H2SO4 के साथ रिएक्शन देखा, तो वैसे इसको KOH के साथ रिएक्शन इसका देखेंगे, तो जब KOH के साथ रिएक्शन देखेंगे, आप देखना ऊपर जो K2Cr2O7 और H2SO4 यूज किया था हम लोग ने, तो वो सब किसके लिए यूज होता है, कि अल्कोहल को ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, लाइक ये अल्कोहल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है, इधर भी हमको मतलब DNF ब्लॉक में भी आता है ये रिएक्शन, राइट, इधर K2Cr2O7 इन सीटू रिएक्शन हुआ, क्या होगा वो आप ऑलरेडी जानते हो, K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, ये दोनों रिएक्ट होकर नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, H2O बनाएगा, ठीक है, और एक नेसेंट ऑक्सीजन नहीं, और एक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर ये सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इथेनॉल विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या, K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4, इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे ही याद करो थोड़ा, ये K2Cr2O7 और KOH कहां पे यूज किया है, ये बेयर्स रिएजेंट है, कहां पे यूज किया है, इसको यूज किया है हम लोग ने कुक वाले रिएक्शन में, याद है, मतलब क्या कि यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल अल्काइल बेंजीन कौन सा है, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, कितना भी लंबा चेन रहने दो, क्या करेंगे, जैसे ही आप बेयर्स रिएजेंट ऐड करोगे, बेयर्स रिएजेंट से अल्कलाइन KMnO4, तो अल्कलाइन मतलब अल्कली कौन है, KOH, KMnO4 के साथ में उसको रिएक्ट कर दिया, तो एक कार्बन छोड़ के सारे कार्बन को ये बॉन्ड तोड़ देगा, इधर 1000 कार्बन भी रहेंगे तो उनको तोड़ देगा, तोड़ के क्या करेगा सर, उस छोड़ेगा नहीं, उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, आई मीन एसिडिफाइड K2Cr2O7 से भी ज़्यादा पावरफुल ये है, ठीक है, कौन, KOH और KMnO4, तो अब क्या होगा, यहाँ पे CO2, जो कार्बन टूट गए उन कार्बन को भी ऑक्सीडाइज करेगा CO2, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा H2O, ठीक है, और ये वाले कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा टू फॉर्म कुक, पहले तो COOK, इसके लिए उसको कुक बोल रहा था मजाक में, राइट, फिर इसमें ऐड क्या करेंगे, राइट, HCl ऐड कर देंगे, HCl ऐड करेंगे तो KNCl कंबाइंड फॉर्म KCl, और H इधर अटैच हो जाएगा तो हमको मिलेगा बेंजोइक एसिड, क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, COOH, बेंजोइक एसिड, ओके, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जैसे KOH और KMnO4 ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैसे ही K2Cr2O7 और KOH भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब इसको आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको मिल देगा K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, थोड़ी देर पहले जैसे हीट के साथ में मिला था वैसे ही KOH के साथ में भी मिलेगा K2CrO4 प्लस H2O प्लस O2, बताइए, ओके, तो अब बैलेंस करो इसको, कितना इधर K2 2 और 1, इधर 3 है, कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे KOH, एक कोई नंबर याद रखेंगे, कौन सा, 2 KOH, ये 2 याद रख लिया, अब 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो इधर 2 लेना पड़ेगा, 2 2 जा बैलेंस, अब देखो क्रोमियम में बैलेंस हो गया, इधर 2 है इधर भी 2 है, फिर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 7 प्लस 2 9 है, और यहाँ पे 2 4 जा 8 प्लस 1 9 है, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, तो पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, सिंपल रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस 2 KOH, तो ये 2 याद रखो या इसका 2 याद रखो, कोई भी एक 2 याद रख दो, एंड द एंटायर रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, ओके। देन और एक रिएक्शन हमारा K2Cr2O7 यूज करके, हम लोग K2Cr2O7 एसिडिफाइड वाला यूज करके वी आर ऑक्सीडाइजिंग SO2 टू SO3, तो क्या करना है कि हम लोग हमेशा कैसे करते हैं कि K2Cr2O7 लेते हैं, और जब भी K2Cr2O7 लेते हैं तो 4H2SO4 लेते हैं, इस बार 4 मत लेना, एक ही H2SO4 लेना, ठीक है, तो एक H2SO4 ले लो और SO2 ज्यादा ले लेना, SO2 3 ले लेना, मतलब 4 प्लस 1, पहले 4 लेते थे ना, तो इधर ऑलरेडी 1 है, 1 SO4 है, और इधर और 3L, 1S और 3S, क्या हो गया, 4 हो गया टोटल। अब क्या करोगे कि SO2 जो है 3SO2 विल कन्वर्ट इनटू 3SO3, ठीक है, प्लस हमारा नॉर्मल जो बाकी का K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस, सॉरी इधर SO3 में नहीं बन रहा है ना, कि Cr2SO4 थ्राइस बनेगा डायरेक्ट, ठीक है, तो Cr2SO4 थ्राइस बनाने के लिए ये वाला SO2 यूज हो रहा है, ठीक है, Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O, कितने H2O आएंगे, 3H2O,
ठीक है, बैलेंस देके चेक करो, K2 CR2 ऑक्सीजन पहले देख चेक करने पड़ेंगे, ये 7 है, ये 4 11 3 2 6 11 प्लस 6 17 है LHS पे, और RHS पे देखो 3 प्लस 4 7 और 4 3 12 7 प्लस 12 19 है ना यहाँ पे, तो इम्बैलेंस्ड हो रहा है। ठीक है, क्या इम्बैलेंस हो रहा है देखो, अभी किधर ऐड करेंगे और इधर दो ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, सल्फर बैलेंस्ड है क्या, इधर 4 और इधर 1 और इधर 3 बैलेंस, सल्फर बैलेंस्ड है, के टू बैलेंस्ड है, सीआर टू बैलेंस्ड है, एच टू भी बैलेंस, एच टू बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, इधर 3H2 है, नहीं नहीं हाइड्रोजन है क्या इधर, एक सेकेंड